नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो है क्लास इलेवेंथ का। आज पेपर था सब्जेक्ट हिंदी का, और जो पेपर का सेट है वो है 7401 सेट सी। ठीक है, कक्षा 11वीं 2019-20 आज का पेपर था, तो हिंदी विशिष्ट का पेपर था। इस पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके कांटेक्ट में हैं, उनके पास इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना पेपर का एनालिसिस कर सकें और अपने आंसर्स चेक कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पहला है इसमें, सीरीज के फूल पाठ के लेखक ने सीरीज की तुलना से की है, तो वो अवधूत से की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि पद्माकर जी का षड ऋतु वर्णन भाषा में है, तो वो ब्रज भाषा में है। थर्ड है, सवा शेर गेहूं पाठ में गेहूं उधार लेने वाले का नाम था, तो उसका नाम था शंकर। मुहावरा डटे रहने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है मुश्किलों का सामना करना। क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, तो वो महाकाव्य आता है। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला है, जननी जन्मभूमिश निबंध विधा के लेखक हैं, तो वो हैं विद्यानिवास मिश्र। कविता का आह्वान रचना के अनुसार है, रचना के रचनाकार हैं, माफ़ कीजिएगा, तो वो हैं रामधारी दिनकर। थर्ड है, बरन बरन तरु फुले उपवन वन में अलंकार है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उपमा, यमक, अनुप्रास और रूपक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर स, अनुप्रास अलंकार इसका आंसर होगा। इसी का फोर्थ है, बंदी पिता का पत्र पाठ के लेखक ने संबोधित किया है, पाठ में लेखक ने संबोधित किया है पुत्र को, भाई को, पिता को, सेवक को, तो ऑप्शन नंबर अ मतलब पुत्र को इसका आंसर सही रहेगा। वार्णिक छंदों की गणना में प्रयोग होने वाले गणों की संख्या होती है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 13, 16, 8 या 4, तो वार्णिक छंदों की गणना में प्रयोग में जो गणों की संख्या होती है वो होती है 8, है ना, तो ऑप्शन नंबर स जो है इसका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन करना है, तो पहला है, हिंदी गद्य साहित्य के उत्थान काल को विकास क्रम चार भागों में बांटा जाता है गया है, तो ये कथन जो है ये सत्य है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भोला राम का जीव विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, तो ये असत्य है ना। ऑप्शन नंबर फोर है, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर सौराष्ट्र में स्थित है, असत्य है। हास्य रस का स्थायी भाव उत्साह है, ये भी असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, सही जोड़े बनाना है, तो सही जोड़े बनाना है में कॉलम ए को कॉलम बी से ब से जोड़ना है। पहला है, रामचंद्र शुक्ल का संबंध है, तो रामचंद्र शुक्ल का संबंध है वो है चिंतामणि से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद तो एक घूंट, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम तो ये आएगा रहस्यवाद, विश्वास की सांझ तो फोर्थ में ये आएगा गिरजा कुमार माथुर, और मैथिली शरण गुप्त तो ये आएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, और पहले का रामचंद्र शुक्ल का तो हमने बता ही दिया है, चिंतामणि। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चेक कर लेना आपके आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। अध्यक्ष महोदय पाठ के अनुसार पेशेवर अध्यक्ष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो ये होगा रेडीमेड शेरवानी पहनते हैं ना। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के चार अंग होते हैं। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है समीप रखना। ठीक है, बिना उपयुक्त समय पर कही गई बात कैसी लगती है, तो वो फीकी लगती है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है, तो वो केशवदास को कहा गया है। ठीक है, और भी ये क्वेश्चन है, आपने इनको कर ही दिएंगे, है ना, आप अपने आंसर्स को चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 को हम एनालिसिस करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। जैसे पहला है, नीलकमल तो ये कर्मधारय समास है, दशानन ये बहुव्रीही है।
ठीक है। इसी के अथवा में यदि वो नहीं किया हो और अथवा वाला किया हो तो निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना है। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, है ना। कमल, सरोज या पंकज, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे जहाँ जाया ना जा सके तो उसको बोलते हैं दुर्गम, जिसकी उपमा ना हो, अनुपमेय कांटों से भरा हो तो कटे ककीर्ण, है ना, ये देख लेना आप थोड़ा सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाएं, बीमार को भैंस का शुद्ध दूध पिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक फलों की माला को एक फूलों की माला लाओ, तो फूलों की एक माला लाओ, इसका आंसर ये होगा, है ना, फूलों की एक माला लाओ। नेक्स्ट है, वह बहुत सुंदर चित्र है, यह बहुत सुंदर चित्र है, तो यह चित्र बहुत सुंदर है, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस आप देखिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 5 नंबर का था ये, है ना, तो ये आपने पढ़ा है। पढ़ने के बाद में पहला है, गद्यांश का उचित शीर्षक तो वो हिमालय पर्वत, किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है तो वैदिक काल से माना जाता है, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है तो सारी सृष्टि के प्रति सद्भाव संभाव, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ कौन कौन से तीर्थ हैं तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। अगला है, कृतज्ञता और वैदिक शब्दों में प्रत्यय है तो ता और ईक, है ना, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना, है ना। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं उनके पास इनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अपना ध्यान रखिए और आने वाले वीडियोज़ का वेट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।